हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम आए हैं हकीम बर्फ़वाला, जो कि घंटा घर पे। और अगर आप खंडवा में किसी से भी पूछोगे ना कि हकीम भाई बर्फ़वाला या हमको गोला खाना है, तो आपको एक ही जगह का बता देंगे, वो है हकीम भाई बर्फ़वाला, जो कि घंटा घर पर खड़े रहते हैं। इतनी सारी चॉइस के आपके पास फ्लेवर्स हैं, जितने दिख रहे हैं ये सब इनके खुद के बनाए हुए हैं। हकीम जिनकी कंपनी है और ये खुद बनाते हैं ये जितने फ्लेवर्स आप देख रहे हो, और सबको फिर गोला बना के खिलाते हैं। बाकी दूसरे आइटम्स भी इनके पास मिलती है, तो हम सब टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रीम गोले के साथ। आपको यहाँ पर सादा गोला भी मिलेगा, आप दो फ्लेवर्स की चॉइस लो, तीन फ्लेवर्स की चॉइस लो, यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस है आपके साथ। क्या कॉम्बो भी आपको चाहिए हो, तीन का कॉम्बो, चार का कॉम्बो, चार फ्लेवर चाहिए हो, जो आपको चाहिए हो आपको मिल जाएगा यहाँ। बहुत चॉइसेस आपके पास फ्लेवर की, बहुत सारी। सादा गोला भी है और क्रीम विद क्रीम का गोला भी है। तो अभी हम चॉकलेट विद क्रीम लेंगे। ये हमारा गोला निकल रहा है मशीन के अंदर से, बर्फ़ खिसके। और इनके जो गोले का शेप है ना, वो कुछ अलग से डिफरेंट से रहता है। आप कोई दूसरी जगह पे देखोगे तो ऐसा गोल सा बन जाता है, और उसके बाद उसको कुछ थोड़े बहुत फ्लेवर्स रहते हैं दो तीन, उसके अंदर से डिप करके आपको देते हैं। इनका सिस्टम कुछ अलग है और इनका गोला भी कुछ अलग ही है यार। इस बात के लिए एक लाइक तो दे ही देना वीडियो को। ये हमारा सिरप चले गया गोले के ऊपर, ठंडे ठंडे गोले के ऊपर। और ये बाप रे, इतना सारा क्रीम, अमूल का क्रीम मिल रहा गाइस आपको, और उसके ऊपर फिर से सिरप चॉकलेट का। हम मज़ा आ गया। ये आ गया हमारा ठंडा ठंडा चॉकलेट विद क्रीम गोला, मज़ेदार भाई, मज़ा आ गया। सेकंड चीज़ हमारी है शरबत, जो हम टेस्ट कर रहे हैं ब्लूबेरी का शरबत। मैंने ब्लूबेरी चूज़ किया है, और आपके पास यहाँ पर आपको गोला मिल जाएगा, शरबत मिल जाएगा और शेक मिल जाएगा। और शेक के अंदर भी आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप विद कर्ड ले लो दही के साथ, या विद क्रीम ले लो। ये हमारा शरबत बिल्कुल तैयार हो गया एकदम। ये वाह भाई, कलर देखो भाई, कलर ठंडा ठंडा, वही गर्मी में पीने में तो मज़ा ही आ जाए। और ये हमारी तीसरी चीज़ जो कि है शेक, हम मावा शेक ट्राई करेंगे। अगेन शेक लो आप, शरबत लो या गोला लो, आपके पास सारे फ्लेवर्स की चॉइस है। आप कोई सा भी, इनके पास जितने फ्लेवर्स हैं उनमें से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो। हमारा मावा बनने जा रहा है एकदम, ये चले गया मावा का सिरप। तो भाई क्रीम की क्वांटिटी देखो भाई, अमूल का क्रीम है उसकी क्वांटिटी। ये हमारा क्रीम चलेगा, और ये ड्राई फ्रूट बर्फ हमारी एकदम ठंडी ठंडी बर्फ चलेगा ग्लास के अंदर। एक बार मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप घंटा घर आओगे घंटाघर चौक पे ही, एकदम घंटाघर चौक पे किसी से भी पूछोगे तो आपको इनका एड्रेस पता चल जाएगा। घंटाघर पे है मेन रोड पे। ये एकदम मिक्स हो रहा है खतरनाक। ये आ गया हमारा शेक बन के एकदम तैयार ठंडा ठंडा, मज़ा आ गया यार। इस चीज़ के लिए एक लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इतना ही था इस वाली वीडियो में, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।